जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस। तो श्रद्धा वालकर, तो ये श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये पूरा है ना जो मर्डर केस है, एक है ना सो साइको, जो है ना सो जिसको कहता है साइको मर्डरर। आप देखते होंगे डर फिल्म, जिसमें कैसे होता है शाहरुख खान साइको, एक तरह से साइको किलर जो कहा जाता है, तो वही है ये। इसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम, ये जो इसका बॉयफ्रेंड है श्रद्धा वालकर का जो बॉयफ्रेंड इसका क्या नाम था, ये आफ्ताब पूनावाला, हाँ आफ्ताब अमीन पूनावाला। तो ये एक तरह से पूरा ना सो जैसे डर फिल्म में एक है ना शाहरुख खान किस तरह के है ना साइको किलर का है ना सो रोल अदा किया है, तो ठीक उसी तरह ये लग रहा है कि ये भी है ना सो एक तरह से साइको किलर है, या सीरियल किलर भी हो सकता है। आप देखिए बम्बल ऐप है, जो डेटिंग ऐप है, तो उस पर है ना उसी पर है ना सो ये है ना श्रद्धा वालकर से है ना सो अपना सो मेल जोल, बम्बल डेटिंग ऐप पर इसका है ना सो मेल जोल हुआ, फिर लिव इन में पार्टनरशिप में आया। लेकिन इसका श्रद्धा वालकर के साथ ही नहीं ऐसा संबंध था, अनेक लड़कियों से पाया गया, पूरा एकदम छानबीन पाया गया है कि ये जो है ना सो ये आफ्ताब पूनावाला इसका है ना सो बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए ये अनेक लड़कियों से है ना सो ये है ना सो बातचीत करता था, इसका रिलेशनशिप हो चुका था, कितनी लड़कियों को ये गर्लफ्रेंड बना चुका था। और जिस फ्लैट में जो है ना सो ये श्रद्धा को मारा है, तो उस फ्लैट में ये है ना सो और भी लड़कियां आती थी, तो सिर्फ श्रद्धा वालकर से ही इसका है ना सो संबंध नहीं था, अनेक लड़कियों से है ना सो ये है ना सो डेटिंग करके है ना रिलेशनशिप में था, और उसको है ना सो उस फ्लैट में इसका आना जाना था। श्रद्धा को मार दिया, उसके बाद भी कुछ लड़कियां उसके फ्लैट में आई हैं। और देखिए ये ना साइको किलर है, तो इसको साइको किलर ही नहीं, इसको अब है ना सो ये माना जा रहा है कि ये साइको किलर नहीं है, ये सीरियल किलर भी हो सकता है। ये श्रद्धा को ही नहीं मारा है, हो सकता है इससे पहले और भी किसी लड़की को और भी मारा हो। तो ये काफ़ी खोजबीन का विषय है, चर्चा का विषय है कि कहीं ये सीरियल किलर तो नहीं हो सकता है। साइको किलर तो है ही, सीरियल किलर भी ये आफ्ताब अमीन पूनावाला एक है ना सो साइको किलर ही नहीं है, एक सीरियल किलर भी हो सकता है। सिर्फ श्रद्धा को ही नहीं मारा, हो सकता है ये और भी है ना सो लड़की को, गर्लफ्रेंड को अपने जाल में फंसा के इस तरह और भी ऐसा मर्डर किया होगा। ये ट्रेंड मर्डरर लग रहा है कि कोई भी है ना सो ऐसा नौसिखिया नहीं रहता है कि है ना सो किसी को 35 टुकड़े में काट देगा और उसका उसको है ना बहुत ही सातिराना ढंग से है ना सो इसको है ना सो ठिकाना लगाएगा। और है ना 18 मई को मारा है ना सो 12 नवंबर को पता चला है, नवंबर में जाके 6 महीना के बाद पता चला है, आप किसी को पता नहीं चला। तो ये है ना बहुत ही है ना सो एक तरह से है ना सो बहुत ही सातिराना मर्डरर है। इसको पूरा किस तरह मर्डर किया जाए, कैसे ये सारा चीज़ किया जाए, तो ये है ना सो काफ़ी है ना सो ये ट्रेंड मर्डरर टाइप का आदमी लग रहा है। और किसी और भी लड़की को फंसाया होगा इस तरह और भी मारा होगा, तो इसका खोजबीन का ये है। आप देखते हैं कि ये श्रद्धा का जो फोटो वायरल हुआ है, श्रद्धा वालकर का जो फोटो वायरल हुआ है, तो उसमें एक फोटो में ये दिख रहा है कि उसको है ना सो किस तरह बुरी तरह से पीटा है, रोज पीटता था, कितना बार पीटा है, और यही नहीं पीटा है, सिगरेट से भी दागता था। उसके चेहरे पर ना सो चोट का निशान, श्रद्धा के चेहरे पर आप देखिएगा तो चोट का निशान है, सिगरेट से उसके चेहरे पर दागता था पूरा। अभी है ना सो आप थंबनेल में उसी का वही हम फोटो लगाए हैं, तो उसके चेहरे पर है ना सो सिगरेट का है ना सो किस तरह प्रताड़ित करके ना है ये पूरा दाग है, किस तरह वो लड़की बर्दाश्त करती थी कि आप सोच सकते हैं कि इतना उसको पिटाई करने के बाद भी लड़की उसके साथ रह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। आखिर क्या कारण था कि इतना उसको है ना सो पिटाई करने के बाद हॉस्पिटल में भी भर्ती हुई, उसका बीपी लो हो गया, ऑफिस तक नहीं जा रही थी, अपने मैनेजर से भी ये सब बात कर रही थी, लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा मजबूरी था कि जिसके कारण वो है ना सो श्रद्धा ये है ना सो आफ्ताब पूनावाला जो है ना सो साइको किलर उसके साथ रह रही थी, तो उसको जरूर कोई ना कोई ब्लैकमेल किया होगा। आप देखिए वो अपने पिता के पास भी जा सकती थी, अपने रिलेटिव के पास, अगर पिता से नहीं बनता है तो हो सकता है कुछ सगा संबंधी हुआ, रिलेटिव हुआ, तो वहाँ भी जा सकती थी। अगर इतना पिटाई हो रहा है, बराबर उसको मारपीट हो रहा था, फिर भी है ना उसको लगता है कुछ ब्लैकमेल किया होगा, क्या किया होगा, नहीं वो किया होगा, तो बहुत ट्रेंड में मर्डर है, तो इसका तो नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट इसका होना ही चाहिए कि आखिर क्या है कि इतना पिटाई करने के बाद भी श्रद्धा उसको छोड़ के नहीं भागी। वो अपने हो सकता है पिता से दुखी हो, नाराज हो, तो अपने कोई रिलेटिव हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, मामा हो, मौसी हो, आदमी का एक रिलेशन थोड़ी होता है, अनेक रिलेशन होता है, तो उसके पास भी जा सकती थी, ये बता सकती थी। लेकिन क्या क्या इसको जरूर कुछ है ना सो लव जिहाद का मामला है,
या क्या है, तो काफी खोजबीन का उधर नार्को टेस्ट करना चाहिए। और खोजबीन में यही पता चलेगा कि जिस तरह से मारा है उसको, जो बराबर मारता था, सिगरेट से दागता था, उसके चेहरे पीठ पर ये सब दाग का निशान है, तो ये सब है, तो ये कहीं सीरियल क्लियर तो नहीं है। और भी लड़कियों से इसका संबंध था, ये तो बम्बल डेटिंग ऐप है, पूरा पता चला कि अनेक लड़कियों से 20-25 लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया था, अपने घर पर भी, इसके घर पर जिस फ्लैट में रहता था उस पर भी कई बार कई लड़कियां आई हुई है, तो कहीं ये है ना ट्रेन मर्डरर, ये तो सीरियल किलर नहीं हो सकता। हो सकता है और भी लड़की को ठिकाना लगाया हो और भी मारा एथी किया हो, तो ये तो जिहादी होता है, लव जिहाद जो है ना, सो किसी भी हिंदू लड़की को फंसा के इस तरह से और भी मारा हो, तो ये तो सीरियल किलर है, साइको किलर तो है नहीं, सीरियल किलर इसको कहा जा सकता है, जिसका नार्को टेस्ट हो, खाओ खोजबीन हो, सब हो, तब जाके इसको असलियत पता चलेगा कि उस मासूम लड़की को आप जानते हैं कि माँ बाप का बात मानी वालकर है ना, श्रद्धा अपने पिता से जिसका नहीं बनता था, तो हो सकता है और भी तो रिलेशन होता है, चाचा चाची मामा मौसी घर परिवार में तो और भी होता है, भाई बहन होता है, तो किसी के पास तो ये जाके रह सकती थी, लेकिन आखिर क्या है, कौन सा मजबूरी था कि इतना पिटाई करने के बाद भी हॉस्पिटल में भर्ती फिर भी इसको रहता, जरूर ना कुछ इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, गंभीर राज है, जिसका अभी खुलासा नहीं हो रहा है, तरह तरह से अपना है ना सो पूरा ये कर रहा है कि पुलिस भी चकमा खा गई, 6 महीना 18 महीने को मारा है, 6 महीने के बाद इसका खुशहाला हो रहा है, और इसको किसी को पता भी नहीं चला किस तरह उसका 35 टुकड़ा काट के फ्रिज में रखा, उसको धीरे धीरे ठिकाना लगाया और अभी भी नहीं मिल रहा है, तो इसका जो नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होकर इसका पूरा है ना पूरा एकदम पता चला है कि क्या है ये, असल में ये सीरियल किलर तो नहीं है, अल्लाह नहीं सोचते थे सीरियल किलर ये सीरियल किलर हो सकता है और भी लड़की को ठिकाना लगाया हो, तो इसे जरूर खोजबीन कीजिएगा। हमारा अनुरोध है दिल्ली पुलिस से या इस पर CBI का इंक्वायरी हो, बहुत CBI का इंक्वायरी हो और इसको केस CBI के पास ट्रांसफर किया जाए, और इसका ना सो पूरा अच्छा तरह से देखिए कि आखिर क्या है इसके पीछे, जो लव जिहाद है तो कोई ऐसा संगठन नहीं है ISI का, सेकंडरी नहीं, सब टाइप का लव जिहाद या PFI ये सब टाइप का कोई संगठन तो इसके पीछे नहीं है कि इसको है ना सो ऐसा काम करने पर पूरा फैसिलिटी पैसा या दिमाग बुद्धि सब दे रहा है, तो इसका पूरा ये खोजबीन का काफ़ी गंभीर विषय है, तो CBI इसको पूरा मामला को हाथ में दे, इसका नार्को टेस्ट करे, पूरा सच्चाई सामने आना चाहिए कि काहे के लिए मासूम हिंदू लड़की को लव जिहाद को इस तरह से बुरी तरह मार गया फिर भी वो बर्दाश्त कर रही थी। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।